आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट ब्लॉग्स और इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आज जेरी को दवाई देनी है। तो जेरी को हमने ये दवाई के लिए देखिए दवाई देनी है, ये खाने से कितना अवॉइड करेगा, ये दो चार बार मुझे बाइट भी करेगा। आप देख रहे हैं मुझे कितना तेज़ से इसने बाइट किया हुआ है। तो ये हम खिलाते हैं, कीड़ों की दवाई है जो इसके पेट में ये सूंघता सांगता है। तो हर कुत्ते को 3 महीने के बाद ये डोज देनी पड़ती है। तो मैं इसको दे रही हूँ और मेरा प्रयास, अथक प्रयास के बाद आप ये देख रहे हो नहीं खा रहा है। देखिए मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, अपनी कोशिश कर रही हूँ, बार बार मैं इसके मुंह पे डाल रही हूँ, बार बार ये बाहर निकाल रहा है। देखिए किस तरह से ये बाहर निकाल रहा है, ये देखिए बाहर निकाल चुका ये। और देखिए मुंह से अपने ये झाग भी निकालने लग गया है। ये बदमाशियाँ हैं इसकी, ये बदमाशियाँ हैं। तो गाइज दवाई तो हमने खिलानी है इसको, अब हमने इसको झांसा देना है। झांसा ये देना है कि ये पेडिग्री के साथ इसको हमने देना है। अब देखिए पेडिग्री के साथ दे रही हूँ, फिर भी ये कितना समझदार है, ये पेडिग्री तो चून के खा रहा है और क्या है कि दवाई फेंक दिया। आप देख रहे हैं फर्श पे दवाइयाँ हैं इसकी। अब मैंने इसको क्या करना है, ढेर सारे पेडिग्री के बीच में ये दवाई हमने देने की सोची है। तो आप देखिएगा पेडिग्री के बीच में हम दवाई देंगे इसको। तो ये अब मैं ले रही हूँ ढेर सारा पेडिग्री और उसके बाद आप देख रहे हैं ये, उसके बाद इसके मुंह के पास लेके पेडिग्री के साथ इसको हमने देना है। अभी ट्राई करती हूँ। तो आधी गोली मैंने इसको खिला चुकी हूँ पेडिग्री के साथ। अब ये हाफ बच चुका है, अब हाफ के लिए ये पूरा प्रयास जारी है, मेरा युद्ध जारी है जेरी के साथ। और जेरी ने फिर निकालना है, ये निकाल दिया पेडिग्री को भी। कोशिश दोबारा ट्राई करूंगी इसको, इसी तरह से मैं दोबारा फिर ट्राई कर रही हूँ कि इसको किसी तरह से इसके मुंह पे ये चला जाए। देखिए तो पेट्स पालना इतना आसान भी नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि ये जानवर को प्यार से खिलाना पड़ता है, दवाई भी देनी पड़ती। फाइनली खा चुका कटोरे में, देखिए दवाई नहीं है। ये मेरी पूरी उंगली चबा चुका है।